देखिए आजकल माहौल जो है बड़ा गर्म है, बहुत गर्म माहौल है। मैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दूँ कि इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बहस शुरू हो जाए, वो मैं चाहता नहीं। किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना मैं नहीं चाहता, मेरे अपने उसूल हैं। ये तो कहना मुश्किल है कि कला को पॉलिटिक्स से आप बिल्कुल ही अलग कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी न किसी हद तक ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। जो देश में हो रहा है वो सिनेमा के थ्रू दर्शाया जाता है, और फिल्म्स पॉलिटिकल भी बनती हैं। कई फिल्में बनी हैं जिनमें बड़ी आलोचना की गई है गवर्नमेंट की या हालात की, तो बिल्कुल उनको कहना कि अभी हम टच ही नहीं करेंगे, तो हर ज़माने में किसी न किसी तरह से आर्टिस्ट प्रभावित होता है पॉलिटिक्स के हालात से, जो हालात हैं उनसे प्रभावित तो आता है, इंसान होता है, यू कॉन्ट हेल्प इट। मगर अब रही बात इसकी जो आपने पूछा कि भाई जो यहाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उस पर मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप सब समझदार हैं और हर का हर एक अपना अपना नज़रिया होता है, तो मैं उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे देश का नाम बदनाम हो, जिससे लोग बाहर मजाक उड़ाएंगे कि ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है। ये मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ कि कई मुल्क तो हमारे बगल के मुल्क जो हैं उनमें तो पॉलिटिक्स है ही सब कुछ, आप उसको पॉलिटिक्स को किसी ज़िंदगी के पहलू से अलग नहीं कर सकते। मगर मैं बस इतनी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक आखिरी बात कह रहा हूँ, और ये पहली बात कह रहा हूँ, पहली बार और शायद आखिरी बार। आपको मैंने बताया कि मैं जवाहरलाल नेहरू साहब की वजह से, पिताजी की वजह से देशभक्त थे, उनको एक उम्मीद थी हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में, उनको पूरा यकीन था कि हिंदुस्तान अब आज़ाद हो गया है तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, दुनिया को दिखा देंगे हम क्या है, समझे ना। वो एक जोश था मुझे, एक देशभक्ति थी, एक जुनून था। मैं समझता हूँ कि बिना जुनून जोश के इंसान ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं सकता। मगर मैं आपको सच सच बताऊँ कि आजकल मेरे दिल में कुछ थोड़ी सी मायूसी पैदा हो गई, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे मैं कह रहा हूँ शायद ये पिछले 50 साल जो मैं दिल में उमंग लेके आ रहा था कि हिंदुस्तान में ये होगा वो होगा, हम आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे, बहुत तरक्की की है नो डाउट, और हमारे पॉलिटिशियन शायद करना भी चाहते हैं, कौन चाहता है हिंदुस्तान को बर्बाद करना। मगर जिस तरह से चीज़ें कुछ हो रही हैं उनसे मैं नेहरू साहब से सवाल कभी कभी करता हूँ कि अगर हमारे वो जो योद्धा थे जो आज़ादी के लिए लड़े थे, जिन्होंने अपनी गर्दन कटवाई थी, जो सूली पे चढ़े थे, अगर आज वो जिंदा होते तो आज के हिंदुस्तान को देख के क्या कहते वो? आप देखिए, एक तो नैतिक दृष्टिकोण से जो रेप्स वगैरह शुरू हो गए हैं, जो हिंदुस्तान एक अहिंसा का मुल्क है, हमने पंचशील का ऐलान किया था, सारी दुनिया में मानती थी कि यार ये अहिंसा होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े बंद करो, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े हिंदुस्तान में हो रहे हैं। ये सब अपने जो पुराने अपने उसूल थे उनको अगर न भूले। और कल ही यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी हुई, लोग आए और सारी शाम में बात सुनता रहा, मेरे कान पक गए। हिंदुस्तान की बुराई करने के अलावा आजकल किसी का कोई शुक्र रहा ही नहीं, ये गाली दे रहा था वहाँ बैठा हुआ, एक गाली दे रहा था यहाँ पे, गाली दे रहा था यहाँ पे, गाली दे रहा था, हिंदुस्तान ये नहीं वो नहीं, यहाँ ये कुछ बकवास है, सब ये हो रहा है।
अंदर ही सुबह बैठा हुआ सोच रहा था कि इसीलिए मैं, अरे आपका मुल्क बर्बाद भी हो, आपकी जो मतलब यकीन है, आपका आपकी जो दृष्टिकोण है वो तो सकारात्मक होना चाहिए। क्या आप अपने मुल्क को तभी प्यार करेंगे जब सब बड़ी बढ़िया हो? थिंक इंडिया, मुझे ये तजार खान साहब कहते थे कि यार हिंदुस्तान का सोचो, वो अगर हो हिंदुस्तान में, हर बात में मैं देख रहा हूँ, हर बात में लोग बस गालियाँ दे रहे हैं हिंदुस्तान को, हर बात पे एक दूसरे से लड़ाई यार। अरे भाई अब देश का एनीवे, मैं थोड़ा सा मायूस हूँ उस मामले में। लेकिन ये जो आपने खास एक सवाल पूछा है इसके बारे में, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप सब काफ़ी बड़े हैं, आप सब जानते हैं, ये आप इसके बारे में खुद सोचिए। मेरा एक मकसद था, मुझे अब भी इस देश से, मेरे सारा परिवार चला गया बाहर, कोई सिंगापुर में है तो कोई अमेरिका में है तो कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, मैं एक यहाँ अकेला बचा हूँ, घर में अकेला रहता हूँ। अभी तक मैंने सोचा नहीं कि मैं भी चला जाऊँ यार, सब बुला रहे हैं मुझे, इसलिए क्योंकि अभी तक मेरे दिल में वो जुनून है, वो जोश है, वो यकीन है हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में। अगर जैसा कि मैंने कहा आपसे कि आपने भी जो जिक्र किया जिस चीज़ का, उससे मैं थोड़ी सी मायूसी महसूस कर रहा हूँ, कहीं मैंने गलती तो नहीं की जवाहरलाल नेहरू साहब की बात मान ली मैंने? मुझे अब भी यकीन है कि हमारा जो भविष्य है बड़ा उज्ज्वल है, बुरे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, कुछ भी हो जाए, और हिंदुस्तान की जो तारीख है, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, वो इस बात का गवाह है कि हम में भी बहुत सहन शक्ति है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, हम बहुत कुछ सहन कर लेते हैं और आखिर में अपनी तकलीफ़ों को दूर कर ही लेते हैं।